आदि वंदे मातरम। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष की पूर्णता पर जब समग्र भारत हमारा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस अमृत महोत्सव की पावन वेला में मैं भी समस्त भारतवर्ष के सभी भाई बहनों को अनंत बधाई प्रेषित करता हूं और अपने आराध्य से प्रार्थना करता हूं कि मेरा राष्ट्र उत्तरोत्तर सुख समृद्धि को प्राप्त करे। और आज मुझे भी अवसर मिला कि अपने भवन के छत पर तिरंगा के सानिध्य में खड़े होकर दो शब्द आपसे कहूं, एक निवेदन करूं। पहले तो कुछ कहना शेष भी नहीं है, क्योंकि ये जो तिरंगा हम देखते हैं, इस तिरंगे के जो तीनों रंग हैं, ये तीनों रंग ही अपने आप में समग्र भारतवर्ष को परिभाषित करने के लिए परिपूर्ण हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सर्वप्रथम केसरिया रंग, उसके बाद मध्य में श्वेत रंग और उसके नीचे हरा रंग और मध्य में चक्र। तो ये जो रंगों का बड़ा दिव्य, हमारे जिन महापुरुषों ने चिंतन करके हमारे इस दिव्य तिरंगे को भारत की शोभा के लिए चुना है, इसमें सर्वप्रथम जो केसरिया रंग है, ये भी केसरिया ही देख सकते हैं। वास्तव में ये केसरिया रंग ये हमारे भारत के शौर्य का प्रतीक है, ये तेज का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, और ये देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। ये संतों का रंग है ना, ये वीरता का प्रतीक है और समग्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर सब एक साथ मिलकर बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध किस प्रकार पराक्रम दिखाएं, तो उस पराक्रम का प्रतीक है। और जो उसके नीचे है वो श्वेत रंग, हम सब जानते हैं, सत्य, शांति, सदाचार, ये समस्त जो हमारे जीवन में जिन नैतिक सद्गुणों को हम धारण करें, उन सद्गुणों का प्रतीक है सत्य और शांति, वो है सफ़ेद रंग का प्रतीक। और जो हरा रंग है, ये हरा रंग है, ये जो हरियाली है, जो सुख समृद्धि है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, जो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की हरियाली है, उस सुख समृद्धि को उत्तरोत्तर हम आगे कैसे ले जाएं, ये उसका प्रतीक है। और मध्य में हम देखते हैं किस प्रकार 24 सलाखों से सुशोभित एक चक्र है, जो जीवन की गति को, अर्थात एक प्रगतिशील भारत की हम कल्पना करें, यानी हम कभी न रुके न थके और निरंतर कार्य करते हुए अपने राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में विशेष रूप से एक बहुत सुंदर सूक्ति है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अर्थात हम स्वयं पुरोहित बनकर, पुर कहते हैं कि ये समग्र राष्ट्र का पुर है, और इस पुर के हित को साधने के लिए हम सब नित्य जागृत हो रहे हैं, अर्थात राष्ट्र को एक जीवंत पुरुष मानते हुए निरंतर उस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हम जागृत रहें, ताकि हमारा राष्ट्र कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, हमारा राष्ट्र उत्तरोत्तर एक नई समृद्धि को प्राप्त करे। तो आज़ादी के इस 75 में जो अमृत अवसर के उत्सव के अवसर पर मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के जितने भी समस्त, देखिए किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में हों, किसी भी धर्म में हों, केवल मिलजुल कर रहें, प्रेम और आपसी सौहार्द को बना के रखें। और भगवान श्री राम, हमारा भारतीय संस्कृति करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, तो आज भी जिस राम राज्य को साकार करने की हम बात करते हैं, तो वह भगवान श्री राम का जो दिव्य राज्य था, उस राज्य में जो हम लोग पढ़ते हैं कि राम राज्य में अवधारणा, राम राज्य की विशेषता क्या थी, तो आज इस अवसर पर मैं भी यही निवेदन करूंगा कि हम सब भारतवासियों को एकता के सूत्र में रहकर एक बार पुनः हम सभी अपने राष्ट्र को, केवल रात दिन एक ही चिंतन होना चाहिए कि ऐसा क्या करें कि जिससे कि मेरे राष्ट्र का नाम ऊँचाइयों तक पहुँचे नहीं, वो समग्र विश्व में मेरे राष्ट्र का, राष्ट्र की उन्नति हो, समग्र विश्व में मेरे राष्ट्र की बड़ाई हो। ऐसा कौन महापुरुष है, किसको हमें अपने राष्ट्र के लिए नियुक्त करना है। और देखिए, विवेकानंद जी की एक छोटी सी कहानी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कि जब वो जापान में कहीं जा रहे थे और स्टेशन पे उनकी जब गाड़ी रुकी,
तो उनको फल लेना था, फल मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसा देश है, यहाँ फल ही नहीं मिलते। तो एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और आकर कहा, स्वामी जी ये लीजिए फल, आपसे एक निवेदन है। पैसा देने लगे तो पैसा लिया नहीं, बोले मुझे पैसा मत दीजिए, आप यदि मुझे देना चाहते हैं केवल एक वचन दीजिए कि जब आप अपने भारत वर्ष जब लौट कर जाएं, तो भारत वर्ष में जाकर आप ये मत कहना मेरे देश के बारे में कि जापान में फल नहीं मिलते। ये है राष्ट्रीयता का भाव, यह है नैतिक उत्कर्ष का भाव, अपने राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव। लेकिन हम विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के नाम से अथवा हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति, इन लोगों का अपने ही देश के लोग उपहास करते हैं, व्यंग करते हैं। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए कि भूल कर भी हम किसी भी धर्म के विषय में, किसी भी धर्म ग्रंथ के विषय में, किसी भी संप्रदाय के विषय में, किसी भी श्रद्धा का जो पात्र है, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो उनका आराध्य हो, ऐसे नाजुक विषयों पर कभी टीका टिप्पणी न करें। ये मैं सबसे निवेदन करूँगा। और प्रभु श्री राम ने जो कहा अंत में चलते चलते कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्ष्य नहीं ना, ऐसे राष्ट्र जहाँ ना कोई दरिद्र हो, न कोई दुखी हो, न कोई दीन हो, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सभी मनुष्य आपस में प्रीत के धागे में बंध कर रहें और चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और सभी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए और सदाचार का पालन करें और हरिनाम का आश्रय लें। चलते चलते यही कहूँगा और अपने आराध्य से प्रार्थना करूँगा कि आप सबके जीवन में रोग शोक भय दुख व्याधि कोसों दूर रहे जीवन से, और उत्तर उत्तर आप सुखी और समृद्ध बने। जय जय श्री राधे।